हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे कि एडोब फोटोशॉप में बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। चलिए चलते हैं। ये मैं एडोब फोटोशॉप खोला। पिक्चर को उठाना है, जहाँ पर भी आपके ड्राइव में पिक्चर पड़ी हो वहाँ पर। हमारे पास फ्रेंड्स मॉडलिंग में अगर आकर बरकत अली स्टाइल, ठीक है जी। ये पिक्चर में सिलेक्ट और पिक्चर को ओपन किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको इंटर किया, ये पिक्चर ओपन हो गई। ये फोटोशॉप में पिक्चर खुल चुकी है। अब सबसे पहले हम इसका साइज डिसाइड करते हैं कि इसका साइज़ बनाना क्या है। आपने साइज बनाने की शॉर्टकट की है सी। ये देखें, ये क्रॉप टूल आपका आ चुका है। यहाँ पर प्रेस करें। अब इसका स्टैंडर्ड साइज हम बना रहे हैं 5x7 और 300 रेजोल्यूशन। ये हमने इसको साइज बनाया, ये इंटर किया, ये देखें हमारा साइज बन चुका। अब हम चेक करते हैं कि साइज बना कि नहीं बना। अल्टर डबल आई प्रेस किया, ये देखें इमेज साइज, ठीक है जी। पिक्चर को बड़ा किया। पिक्चर को बड़े करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। इसको अल्टर आई वाई देकर अप्लाई इमेज किया। ब्लेंडिंग में रखकर इसको स्क्रीन करना है हमें, ठीक है। जितना पिक्चर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पिक्चर को देना। हम इसको देते हैं 30। इसको हमने स्क्रीन दिया। पिक्चर देखें थोड़ी ब्राइटनेस में हुई। कंट्रोल एम कर्व आ गया है। कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट के थोड़ा सा हमें लाइट करना है। ये लाइट कर दिया। अल्टर आई एस सी, ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट देखें। ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये देखें प्रीव्यू आपके सामने। प्रीव्यू देने के बाद ब्राइटनेस हमने इसको 0 कर दी। कंट्रास्ट 10 पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको करते हैं 4 भी ज़्यादा लग रहा है, 2 कर दिया इसको, ठीक है जी। अल्टर टी एस शार्पनेस देनी है, जिसकी शॉर्टकट की है अल्टर टी एस। ओके किया। कंट्रोल एफ दोबारा शार्पनेस हमने दे दी और इसको अब हम कर रहे हैं सेव। ये देखो दोस्तों सेव हो गई। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सेव होने के बाद देखा अब हम इसकी कर रहे हैं कटिंग। कंट्रोल अल्टर एक्स शॉर्टकट की, एक्सट्रैक्ट की, ठीक है दोस्तों। ये आ चुका है। ये देखें ब्रश का साइज, ये ब्रश का साइज बन रहा है यहाँ पर, ये वाला। ये पिक्चर को कंट्रोल स्पेस पकड़ के पिक्चर को बड़ा कर दिया। हम सिलेक्शन में इसको लेकर आ रहे, ब्रश का साइज छोटा कर कर ये हमने बालों पर फेर रहे हैं इसके। क्लिक कर दिया इस तरफ। अब इस तरफ हम आ गए। ये सारी बालों को सिलेक्शन करनी है, वाइट एरिया जहां पर नजर आ रहा है। इसको पकड़ कर यहां पर क्लिक कर देना है। ये सारी सिलेक्शन में आकर अब हमें इसको फिल करना है, जिसकी जो शॉर्टकट की है जी। जी उठाया, देखें ये शॉर्टकट की में जी प्रेस करने के बाद ये हम इसको क्या फिल हो गया। अब हमें इसको करना है ओके। ये देखें बैकग्राउंड मतलब कटिंग हो चुकी है और कितने डिटेल के अंदर मतलब बाल आपके नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल जे प्रेस करना है, डबल लेयर बनानी है। कंट्रोल ई कर देना है, फाइल को मर्ज कर देना है। कंट्रोल एस मारना है तो PSD के अंदर आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। ये देखें इसको कर दिया ओके, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर बैकग्राउंड का जो सिलेक्शन है, ऊपर हमारा रेड है और नीचे है हमारा ब्लू, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है, न्यू लेयर एक बन जाएगी। न्यू लेयर बनाकर ओपन कर दें, ओके कर दें। ये देखें आपकी न्यू लेयर बन चुकी है। इसको करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। ये देखें आपका ब्लू आपका बैकग्राउंड हो चुका है, वो ये वाला। अब इस ब्लू बैकग्राउंड को यहाँ से पकड़ कर वो इसको यहाँ पे नीचे लेयर पर ले आया। ये देखें आपका बैक पीछे आपका चला गया ब्लू बैकग्राउंड, फर्स्ट पर आपकी ऊपर लेयर आ गई आपकी फोटो की। अब हमने इसको सिलेक्ट कर देना। ये देखो सिलेक्शन में आ गया। अब कंट्रोल एस मारना है, ये सेव हो गया। अब इसकी मज़ीद बैकग्राउंड की कटिंग करते हैं।
मैजिक टूल हमने उठाया जिसकी शॉर्टकट की है W, ये देखें ये मैजिक टूल शॉर्टकट की W, प्रेस किया ये हम क्लिक किया, अब इसको मज़ीद और इसको प्रेस करते हुए जा रहे शिफ्ट पकड़ कर, मज़ीद उसको हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो हमने पेन टूल उठाना है जिसकी शॉर्टकट की है P, ये P प्रेस किया, देखिए पेन टूल आ गया। अब मज़ीद इसको बड़ा करें, बड़ा करने के बाद यहाँ से क्लिक करना शुरू किया हमने, पिक्चर को छोटा करना, ये अब इसको जो हमने मज़ीद बढ़ाना है इसको सिलेक्शन को, तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना, ये देखें बढ़ गया। कंट्रोल शिफ्ट इंटर ये प्रेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी मज़ीद हम और सेटिंग कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर दिया, ये पूरे के पूरे फोटो की मतलब सिलेक्शन में आ गई है। अब हमें इसको फीदर मारने, स्टैंडर्ड साइज हमारा 5x6, इसको हमने फीदर मार रहे हैं, अल्टर एस एफ फीदर हमने करना है, फीदर सिलेक्शन हमने 1 पर रखी है, इसको ओके कर दिया। हमने डिलीट करना है 2 मरतबा, 1 मरतबा प्रेस किया डिलीट, दोबारा डिलीट प्रेस कर दिया। अब कंट्रोल डी करना है सिलेक्शन ख़त्म, कंट्रोल एस मारना है ये सिलेक्शन हमारी, ये हमारा सेव हो गया फोटो। अब हम जाते हैं जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड पड़ा है ड्राइव में, कंट्रोल ओ किया शॉर्टकट की से, प्रेस बैक बैक, मेरे पास बैकग्राउंड डी ड्राइव में पड़े हुए दोस्तों, ये पड़े हुए बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड में आ गए। अब बैकग्राउंड सिलेक्शन करना है कि इस फोटो पर कौन सा बैकग्राउंड ज़्यादा सूट करेगा, बैकग्राउंड उठाना है, यहाँ से पकड़ के इधर रखा, जिसकी शॉर्टकट की है V, मूव टूल है इसकी शॉर्टकट की V है, ये उठा लिया हमने यहाँ से। अब इसको बैकग्राउंड को क्लिक करें, पकड़ के रखें माउस से, मतलब प्रेस करके रखें, यहाँ से पकड़ खींच कर यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर लाकर छोड़ दें, ये देखें बैकग्राउंड आ गया। इस बैकग्राउंड को आप बंद कर दें, ठीक है। अभी हमने पिक्चर को डबल क्लिक किया, बड़ा साइज हो गया। अब इस बैकग्राउंड को पकड़ कर हमने ये लेयर के नीचे रख दिया, ये आ गया देखें पीछे आ गया। कंट्रोल टी किया हमने, बैकग्राउंड का हमें थोड़ा सा बड़ा करना, ये देखें बैकग्राउंड बड़ा हो रहा है, ये देखें ये अब इंटर प्रेस कर दिया, ये देखें बैकग्राउंड पीछे चला गया, ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड सिलेक्शन में आ गया। अब यहाँ पर देखें थोड़ी बहुत यहाँ पर वाइटनेस रह गई है, ये बैकग्राउंड को हमने पीछे लेकर आ गए। अब पिक्चर को हमने सिलेक्ट करने के बाद रेजर टूल उठाना है, मज़ीद इसको जो जो एरिया आपका वाइट रह चुका है तो अब हमें इसको करना है ब्लैक। ये टूल उठाया हमने बर्न टूल, इसकी ओपेसिटी 30 पर रखकर पिक्चर को थोड़ा छोटा किया हमने, इसको साइज को ब्रश को बड़ा करने के बाद हम इसको मार रहे हैं बालों के पर, ये देखें बाल काले हो रहे हैं। ये देखें दोस्त, ठीक है दोस्तों, ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और अब हम इसको कर रहे हैं सेव, कंट्रोल एस मारा PSD में सेव हो गया। अब इसको मुकम्मल फाइल को पक्का करें, कंट्रोल शिफ्ट एस मारने के बाद टैब प्रेस करना है, नीचे आपका सिलेक्शन में आएगा, यहाँ पर J दबाना है JPG फाइल, इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर की फाइल को सेव कर देते हैं 002A, ओके किया, यहाँ पर 12 रखना है, ये आपको ओके हो गया, ये बंद हो गया।